हेलो नमस्कार, मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं करतार कंपनी के फोर व्हील ड्राइव जबरदस्त ट्रैक्टर की। और ये देख सकते हैं, पहले मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूं। ये 5936 ट्रैक्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये देख सकते हैं रेड कलर इसका दिया गया है और सामने करतार का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चपटी लाइट है और यहाँ पे जाली लगी हुई है। जब आप ट्रैक्टर पे काम करते हैं तो आपका ट्रैक्टर ठंडा रहता है। यहाँ पे भी जाली है और सिंगल पीस इसका जो बोनट यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही आपका जैसे ये बम्पर देखते हैं तो आपको इस पर 20 kg की एक प्लेट मिल जाती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेट आपको लगी हुई मिल जाती है। अगर आप इस पर और भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोर व्हील ड्राइव में आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, बात करेंगे इसके टायर साइज़ की। अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो ये यहाँ से खुल जाता है बहुत ही आसानी से। और सिंगल पीस इसका जो हुड दिया गया है, देख सकते हैं किसान भाइयों, काफ़ी बड़ा इसका टायर का साइज़ है। MRF का जो टायर है वो 9/9/50/24 का इसका जो अगला टायर दिया गया है। और कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं किसान साथियों, जो लाल रंग है संघर्ष का प्रतीक है। और ये देख सकते हैं पावर स्टेयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। और एक्सल इसका सिंगल पीस बोनट में आपको है और बहुत ही ज़्यादा काट इस ट्रैक्टर की है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसकी जो बैटरी है अंदर की तरफ रखी गई है, चोरी के डर से आपको मुक्ति दिलाती है किसान साथियों। और हम आगे बढ़ते हैं। और ये 4 सिलेंडर 65 horsepower कैटेगरी का ट्रैक्टर है। काफ़ी बड़ा इसका प्लेटफॉर्म है किसान साथियों। ऑयल इमर्सिड ब्रेक के साथ में आपको मिल जाता है। साथ ही मैं आपसे बता दूं, आप इस पर दोनों तरफ से चढ़ सकते हैं। और देखिए ये स्टेप फुट दिया गया है। ज़्यादातर किसान के जो पैर हैं मिट्टी में रहते हैं तो आप इस पर यहाँ पर भी साफ करके जा सकते हैं। और ये होल दिए गए हैं। जब आप ट्रैक्टर पर काम करते हैं जो आपका ट्रैक्टर हीटिंग मुक्त हो जाता है। और साइड शिफ्ट गियर आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही ऑयल इमर्सिड ब्रेक के साथ आपको ये मिल जाता है किसान साथियों। इसकी जो सीट है ये फुल्ली एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ किसान साथियों। इसका डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है और 12 volt का चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है किसान साथियों। इसमें ये देख सकते हैं और कैनोपी इसमें लगी हुई है किसान भाइयों, ये देख सकते हैं। और DCB वाल आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इस पर MB प्लाव और जैसा यंत्र भी चला सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं अपने ट्रॉली में। और रिवर्स PTO के साथ में, EPTO के साथ में अलग अलग और PTO ऑप्शन दिए गए हैं। और काफ़ी बड़ा इसका स्ट्रक्चर दिया गया है किसान साथियों। 4 सिलेंडर में आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। और एयर ड्राइव फिल्टर इस ट्रैक्टर का दिया गया है किसान भाइयों। 12, मैं अगर बात करूं इसके गियर की तो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ऑयल इमर्सिड ब्रेक। और साथ ही अगर हम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करते हैं किसान भाइयों, तो 2200 kg वजन बहुत ही आसानी से ये लिफ्ट उठा सकती है। और टायर हमने आपको दिखाई दिया किसान साथियों। तो किसान साथियों, अगर हम ट्रैक्टर के कुल वज़न की बात करते हैं तो इसका जो ट्रैक्टर का जो कुल वज़न है वो 2780 kg है। और व्हील बेस इस ट्रैक्टर का 2290 mm है। और इस ट्रैक्टर की लेंथ की अगर बात करें 4030 mm है। और इस ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो काफ़ी है, जो बहुत ज़्यादा है, 375 किसान साथियों। और बहुत ही सुंदर है इसके जो स्टेयरिंग और गियर की बात करें तो एकदम मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी जैसा इसका स्टेयरिंग है। और बहुत ही आसानी से इसके गियर गिर जाते हैं किसान साथियों। अलग अलग प्रकार के आपको टू व्हील ड्राइव में भी मिल जाता है, बहुत सारे मॉडल इसके दिए गए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, तो अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है किसान भाइयों, ये 10,95,000 रुपये इसकी कीमत है यहाँ पर इस मेले में रखी गई है। सिंगल पीट जो इसका हुड है और बहुत ही आसानी से खुल जाता है। यहाँ आपको इसका जो डीजल असेंबली सिंगल में मिलती है, कितने सिलेंडर में है? 4 सिलेंडर में 65 horsepower में। साथ ही आपको 36 kg वेट इसके पिछले टायर पे मिल जाता है किसान साथियों, देख सकते हैं। और कई बार किसान शिकायत करता है कि भाई हमारा ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे नुस्खे जो डीजल बचाने में आपकी मदद करते हैं। किसान साथियों, जब आप ट्रैक्टर पे काम करते हैं तो मैं आपसे बता देता हूँ, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये हीटी गार्ड इस पे दिया गया है जो कि हीटिंग इसमें नहीं आती है। और ये देख सकते हैं
सीट बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल है, आप इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चला सकते हैं। इसका जो डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है पावर स्टेयरिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी सीट की अगर हम बात करें 120 केजी का व्यक्ति इस पर बैठ सकता है, चाहे हाइट 2 फुट हो या 9 फुट हो तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। किसान साथियों साइड शिफ्ट गेट के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जानकारी सही मिलेगी। यहाँ पे इसका वाटर सेपरेटर दिया गया है और डीजल असेंबली यहाँ पे इसकी दी गई है और 4 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही हम इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस दिखा देते हैं किसान साथियों, काफ़ी बड़ा इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है, आपका ट्रैक्टर नीचे की तरफ नहीं हटता है। और इसका एक्सल आप देख सकते हैं, नॉन एडजस्टेबल एक्सल है इसका। और तो हम हमारे साथ सर जी जुड़े हैं, तो सर जी नमस्कार, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम हरमनदीप सिंह। तो हरमनदीप सिंह जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताओ कि ये इंजन कौन सी कंपनी का है? देख रहे हैं करतार 5936 ग्लोब ट्रैक 4x4 ट्रैक्टर है, ये 60 हॉर्स पावर कैटेगरी का 4x4 ट्रैक्टर है। इसमें इंजन की बात करें तो किर्लोस्कर कंपनी का इंजन इसमें लगाया गया है, किर्लोस्कर का 4 सिलेंडर इंजन आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिलेगा जी। अभी तक आपने 3 सिलेंडर इंजन देखे थे जब, तो 4 सिलेंडर किर्लोस्कर का इंजन है जो 4560 cc का इंजन है, 232 Nm इसकी टॉर्क है। और बैकअप टॉर्क की बात करें तो 45% इंजन की बैकअप टॉर्क जी। और फ्रंट में बात करें तो आपको 4 व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर है इसमें आपको जेरी वेट मिल जाएंगे जी। और जो 4 व्हील ड्राइव का एक्सल है वो आपको करारो कंपनी का मिल जाएगा, 9524 के आपको फ्रंट टायर मिल जाएंगे और रियर टायर इसमें आपको 16 के मिल जाएंगे। और इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें जो ट्रांसमिशन है ये करारो कंपनी की 12+12 फुल्ली सेंक्रो में से आपको 4 लीवर के साथ ट्रांसमिशन मिलने वाली है। इसमें हाई लो मीडियम 3 स्पीडें आ जाती हैं और 1 6 लीवर आ जाता है, 12 फॉरवर्ड की और 12 रिवर्स की आपको 24 स्पीडें मिल जाती है। और पीटीओ की बात करें तो पीटीओ में इसमें आपको 540 इकोनॉमी और ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिल जाती है। तो उसके बाद हम इसमें क्लच की बात करें तो क्लच इसमें आपको डबल रहने वाला है, पीटीओ का आपको इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है, प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी स्पेसिस है और स्पेंडल टाइप आप इसमें आपको पेडल मिल जाते हैं। और लिफ्ट की बात करें तो मीटा कंपनी की 2500 किलोग्राम कैपेसिटी की लिफ्ट मिल जाती है जो लिफ्ट ऑटोमेटिक बटन के साथ आती है। अच्छा, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक इसका 55 लीटर का आता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा भाई, किसान मार्केट में और भी ट्रैक्टर है, करतार ही क्यों ले? देखो ये किसान भाइयों की जो खर्च है फ्री है, वो किर्लोस्कर इंजन भी है, किर्लोस्कर इंजन है जो मेंटेनेंस फ्री है और इसका डीजल की एवरेज दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छी खासी बचत कर देता है। अच्छा, साथ में करारो ट्रांसमिशन है जो मेड इन इटली रहती है। अच्छा, नॉर्मल ट्रैक्टर में आपको रेडिएटर है वो एल्यूमिनियम का मिलेगा, हमने हमारे सभी ट्रैक्टरों में कॉपर का रेडिएटर लगाया है, एयर क्लीन में आपको ड्राइटर मिल जाएगा और टीवीएस का आपको स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर मिल जाता है, साइड की बैटरी एम आर के टायर मिल जाते हैं। अच्छा, तो सर जी इसकी सर्विस है कितने घंटे बाद है? जो पहली सर्विस 50 घंटे, बाकी सर्विस 500 घंटे में सर्विस मिल जाती है। अच्छा, तो किसान की बचत की बात करें मार्केट में मोस्टली 300 घंटे सर्विस वाले ट्रैक्टर को मिलते हैं, तो 1500 घंटे चलाओगे ट्रैक्टर को तो 1500 घंटे में 300 घंटे वाले की 5 सर्विस हो जाएंगी, जबकि इस ट्रैक्टर की सिर्फ 3 सर्विस हो पाएंगी, जबकि आपके 2 सर्विस का सीधा सीधा पैसा बच जाता है 1500 घंटे। तो इसकी यूपी में कहाँ है एजेंसियाँ? अभी यूपी में हम शोरूम ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे अब पूरा ऑल ओवर यूपी कवर कर लेंगे हम आने वाले टाइम में जी। अभी फिलहाल हमारा लखनऊ साइड में गोंडा हो गया और इधर 1-2 जगह पे और अभी अशोकनगर हो गया, ऐसे 2-3 जगह पे हमारी डीलरशिप ओपन हो चुकी है, तो इस टाइम में इस एरिया में डीलरशिप मिल जाएगी। तो जो करतार के हैं मिनी ट्रैक्टर भी हैं? नहीं, मिनी ट्रैक्टर अभी हमारे अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में हो सकता है अगले सीजन में लॉन्च कर रहे हैं। तो देखिए सर जी के माध्यम से दी गई जानकारी हम उम्मीद करते हैं बेहतर मिली होगी। ये देखिए 4 व्हील ड्राइव के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त करता है और ये इसकी कीमत है 10,95,000, जबकि इसकी 11,47,000 रुपये कीमत है। इस मेले में ये डिस्काउंट ये कंपनी आपको दे रही है, कैनोपी फिटेड ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। किसान साथियों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी मिली होगी, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू।